मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है प्रवीण। प्रवीण, मैं समझती हूँ प्रवीण के हम प्रॉब्लम में फंसे हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि कल 1 तारीख है। तो? अरे तो क्या? बाहर डाइनिंग टेबल पे बैठी होगी ऐसे मोगे भी बन के। मोटा भाई 10,000 रुपए देंगे पूरी डिटेल के साथ, और माँ बोलेगी मोगेम्बी खुश हुई, और फिर नजर की मिसाइल घूमेंगी मेरी तरफ। ला बेटा पैसे दे। हो गया ना कलेजा? जिस भ्रम के सहारे हम उन्हें 2 पल की खुशियां देते थे, वो भ्रम भी तोड़ दिया ना तुमने। अब बेचारे रोएंगे छुपकर। मैं उसे सॉरी बोल दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है प्रवीण। प्रवीण, मैं समझती हूँ प्रवीण के हम प्रॉब्लम में फंसे हैं, पर प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्रवीण। मैंने तुझसे कहा था ना कि 1,40,000 रुपए फंसे हैं, लेकिन मैंने फिर से हिसाब लगाया तो पता चला कि वो तो 2 लाख से भी ज्यादा है। ऊपर से ये साड़ियां भी गई, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि कल 1 तारीख है। तो? अरे तो क्या? बाहर डाइनिंग टेबल पे बैठी होगी ऐसे मोगे भी बन के। मोटा भाई 10,000 रुपए देंगे पूरी डिटेल के साथ, और माँ बोलेगी मोगे भी खुश हुई, और फिर नजर की मिसाइल घूमेंगी मेरी तरफ। हाँ तो तुम माँ को समझा देना कि। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं समझाऊंगा और बात समझ जाएगी। आज तक मैंने कितनी बार बा से कहा है कि बाप देखो सचमुच इस बार इतने पैसे कम हैं, उन्होंने कभी भी मुझ पर भरोसा किया है? अरे एक बार तो तुम्हारा हार ले लिया था याद है? प्रवीणा देख तेरा सेट आ गया। मेरा सेट आ गया? अरे वाह, कितने दिनों से मैंने ऑर्डर दिया था। अरे वाह, चारू बहन की ननंद की शादी के फंक्शन में मैं ये सेट पहनूंगी। कैसा है? प्रवीण कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। 10,000 देना और छुड़ा के ले जाना। और एक बार मुझसे हाथ मिलाने के बहाने मेरी अंगूठी छीन ली। आज तक कभी भरोसे लायक काम किया है तुमने? हमेशा 200-400 रुपए बचाने के लिए झूठे बहाने बनाते आए हो तुम। आज तुम अगर सच भी बोलोगे और वो झूठ मानेंगी तो उसमें उनका क्या कसूर है? हम कुछ गिरवी रख देंगे, तुम फिकर मत करो। बा हमारी एक भी चीज गिरवी नहीं रखेगी, उन्होंने बोल दिया ऐसा। क्यों? अरे वो पिछले महीने 4,000 रुपए के लिए मैंने जो चांदी की पायल बा के पास गिरवी रखी थी ना, वो गलती से लोहे की निकली। अब उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ कि अब तक जो हुआ है उसे भूल जाओ, अब आगे क्या करना है वो सुनो। प्रवीण, हम डबल मेहनत करेंगे और हमारा बिजनेस फिर से ट्रैक पे ले आएंगे। देखो मैं सब संभालूंगी, तुम सिर्फ अपनी ईमानदारी संभाले रखना। चलो अब मुंह मत लटकाओ, कल की कल सोचेंगे। अरविंद जी बा, ये मेरे 20,000, 1,000 के 5, 500 के। अरे वो मालूम है। हर्षद। हाँ बा, उड़ा भाई, मेरे 20,000 लो। और वो लबाड़ प्रवीण और सुबोध कहाँ है? मानो कि पापा अपनी नाटक की प्रैक्टिस के लिए आज जल्दी चले गए हैं बा, उनकी जगह पे मैं आई हूँ। वो भी खाली हाथ? नहीं नहीं बेबी बेन, अरे वाह मीनाक्षी, अब कौन बचा? मेरा लाडला बेटा प्रवीण कहाँ है? किसी कोने में बैठकर सोच रहा होगा कि आज मेरे सारे पैसे किस तरह बचाऊं। अरे मोटा भाई, हम लोग हेल्प कर देते ना। सोचे सोचे कि वो क्या सोच रहे होंगे। अरे सोच लिया होगा उसने, अभी आकर बा से कहेगा बा मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि आपको जो पैसे देने वाला था उससे मैंने इंश्योरेंस करवा लिया है। एक नई बीमा पॉलिसी आई है जिसके अंतर्गत
नए नियमों में बहस करने की छूट मिलती है और प्रीमियम घर का जो सबसे छोटा भाई होता है हिमल नाम का उसे भरना पड़ता है। लो, आप क्या हंस रहे हैं? आप पर सब हंस रहे हैं। ये कुछ जमा नहीं मोटा भाई, वो ये बोलेंगे कि बाप मैं तो पैसे लेकर आ रहा था लेकिन रास्ते में एक चील झपटा मार के ले गई पैसे को मटन समझ कर, है ना? राम 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 राम। बेबी तुझे हमेशा नॉनवेज बहाना ही सूझता है, ये सब हमारे घर में अलाउड नहीं है। एक काम करिए बेबी बेन, वो म वाला शब्द है ना वो निकाल दीजिए, उसकी जगह पे सरसों का दाना रख दीजिए। चील जो है वो पैसों को सरसों का दाना समझकर झपट्टा मार के ले गई। प्रवीण इतने भी अनबिलीवेबल बहाने नहीं बनाता। अरे क्या नहीं बनाता हाँ प्रवीणा, हर्षद भाई आपको मालूम है पिछले साल प्रवीण भाई ने कहा कि वो पैसे लेकर बैंक से आ ही रहे थे लेकिन रास्ते में इतनी तेज हवा चली कि सारे पैसे उड़ गए। प्रवीणा भाभी आप बताइए ना, आपको कुछ तो आइडिया होगा कि प्रवीण भाई आज क्या बहाना बनाएंगे। ये भी नहीं है, तू थोड़ा कम बोला कर। आ गए से पूछते हैं ना। आजा मेरे लाडले बेटे, आजा बैठ जा। प्रवीणा इसे नाश्ता दे। ला बेटा पैसे दे। हर महीने 400-500 बचाने के लिए बहाने बनाता आया है पर इस बार सारे के सारे पैसे क्यों बचा रहा है? बा इस बार मेरे पास पैसे नहीं है। मजा नहीं आया प्रवीण भाई, पैसे नहीं है का क्या मतलब? कुछ यूनिक बहाना दीजिए ना मसालेदार। बेबी मैं सच कह रहा हूँ, तू चेक दे दे मुझे, तेरा चेक भी चलेगा। ये ले तेरी चेकबुक। बाप मेरी चेकबुक आपके पास? इस झमेले में तू मत पड़, तू चेक बना। बैंक में भी पैसे नहीं है बा। ये क्या बहाना है? प्रवीणा भाभी आप ही बोले ना कुछ सॉलिड बहाना देने। प्रवीण सच कह रहा है बेबी पे, सचमुच पैसे नहीं है। अरे वाह, एक से भले दो। हाँ तो आप ही कोई बहाना दीजिए ना, फिर आपस में झगड़ना कि ये बहाना मेरा था। बेबी नहीं है, तुझे बोला ना कम बोला कर। प्रवीण भाई 20,000 रुपये मुझसे उधार ले लीजिए ना। हर्षद फिर से? बा मैं सिर्फ 1 महीने के लिए उधार देने की बात कर रहा हूँ। इनके पास पैसों की कमी नहीं है। बा जब दोनों कह रहे हैं कि मैं कैसे यकीन करूँ, ये तो हर महीने ऐसे ही बोलता रहता है और इस बार तो प्रवीणा भी मिल गई इसके साथ। आप सही कह रही हैं बा। मैं हूं इसके साथ क्योंकि आज ये सच्चा है। हर्षद तो बैंक में फोन लगा, स्पीकर ऑन रखना, मैं इसकी सच्चाई सबके सामने लाना चाहती हूं। 2633807। हाँ
हेलो चक्रवर्ती बैंक, मे आई हेल्प यू? हाँ प्रधान, प्रवीण ठक्कर बोल रहा हूँ। मेरे अकाउंट का बैलेंस बोलना प्लीज। एक मिनट। प्रवीण तुम्हारा बैलेंस है 75,500। क्या? हेलो प्रवीण ठक्कर हियर, अकाउंट नंबर 11224। हाँ प्रवीण ठक्कर, मुझे पता है 75,500 ओनली। ये कैसे? उनको थैंक्स तो कह। हाँ थैंक्स। प्रवीण तुमने मुझसे झूठ बोला। प्रवीण मुझे नहीं मालूम ये कैसे हुआ, बैंक में पैसे नहीं थे। प्रवीण शर्मानी चाहिए तुझे, अभी भी नाटक कर रहा है तू। प्रवीण, अरे मैं बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ प्रवीण, बैंक में सिर्फ 500 रुपए थे, पता नहीं ये 75,000 रुपए कहाँ से आए। बा, मुझे पता है आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। इस बार है बेटा, इस बार मुझे तुझ पर भरोसा है। तो फिर इतने सारे पैसे आए कहाँ से? किसी राह चलते मुसाफिर ने मूड में आके प्रवीण भाई के अकाउंट में पैसे जमा कर दिए होंगे। हाँ पैसे बाने जमा किए हैं। है ना बा? इस तरह किसी को कुछ बताने के लिए बंदी हुई नहीं है। मैं क्यों बताऊं? तुम लोग अपना प्रॉब्लम मुझे नहीं बताते तो मैं क्यों बताऊं? हमें जवाब मिल गया बा। पर हमें नहीं मिला है। तूने तो सवाल पूछना भी जरूरी नहीं समझा लीला, तो क्या जवाब लेने आई है? भाई आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं ये लोग, इसके पैसे कहीं फंस गए हैं, इसीलिए प्रवीणा ने विले पार्ले लेडीज क्लब ज्वाइन नहीं किया। लीला देखा, लीला भाभी मैंने आपको कहा था ना कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है प्रवीणा भाभी को, है ना? तू चुप कर बेबी, तुझे अगर प्रवीणा का प्रॉब्लम दिखाई दिया होता तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय तू अरे इसे देखो, एक तो गलती करती है, ऊपर से बेवजह गुस्सा दिखा रही है। बेवजह गुस्सा नहीं दिखा रही हूं बा, मुझे बुरा लगा है। तुझे बुरा लगा है? हाँ बा मुझे बुरा लगा, ये अपनी छोटी सी छोटी बात, हंसी मजाक सब कुछ मेरे साथ शेयर करती है और इसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। बा मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं कि बिना बताए मुझे सब कुछ पता चल जाए। तू यहां प्रवीणा, यहां क्यों प्रवीणा? सिर्फ बोलने के लिए सहेली है तू? हाँ अरे 4,000 रुपए की बात तो थी, तू अगर मुझे बता देती तो मैं सुबोध भाई से दिलवा देती तुझे। लीला तुम्हारा मतलब है मुझे प्रवीणा से दुश्मनी है? अरे मोटा भाई इसमें दुश्मनी वाली बात कहां से आ गई? आपने मेरे अकाउंट में 75,000 रुपए, तो सच सच बता, तू यही समझता है ना कि तू अगर मुसीबत में होगा तो तेरी बा तेरा साथ नहीं देगी? नहीं नहीं बा। हाँ बा, वो तेरे मन में है प्रवीण कि तेरी बा भेदभाव करती है, मेरे मन में तो सारे बच्चों के लिए बराबर जगह है। मेरा कौन सा बेटा कितनी मुसीबत में है वो उसकी आंखें देख के मुझे पता चलता है। चल अब रोने के बहाने पैसे बचाने की कोशिश मत कर, 20,000 तो तुझे देने ही पड़ेंगे। चल चेक लिख। हाँ क्योंकि कायदे सबके लिए बराबर हैं। मैं वादा करता हूँ बा, जैसे ही मेरे पैसे वापस आ जाएंगे
आपके 55,000 रुपए मैं लौटा दूंगा। 55,000 क्यों? 75,000 है ना। 20,000 तो अब भी दे रहा हूँ ना। और वैसे भी बा आपके अकाउंट में पैसे कम हो गए होंगे। क्या करूँ बेटा, अभी आएगा प्रवीण भाई का, अभी आएगा बोल रही है। ओ, आपको ऐसा नहीं लगता कि कम से कम अब तो हेमल के पास से घर खर्च के लिए पैसे लेने ही चाहिए?